दोस्तों आप सबों को जोहार नमस्ते, मैं हूं अमित मिंज और आप देख रहे हैं मिंज ब्लॉग सिमडेगा। तो दोस्तों आज है सोहराई का पर्व और आप सबों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, सोहराई पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि सोहराई पर्व क्यों मनाया जाता है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सोहराई पर्व क्यों मनाया जाता है, किसकी पूजा की जाती है और आदिवासी समाज में क्या इसकी महत्व है। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी तरह सोहराई पर्व में आदिवासी लोग अपने मवेशियों की पूजा करते हैं। जो खेती बाड़ी में यूज़ होने वाले जितने भी मवेशी हैं उनकी पूजा की जाती है, विशेषकर गाय, भैंस, बैल, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि आदिवासियों के लिए वे ही एक लक्ष्मी हैं। मतलब उन्हीं का यूज़ करते हैं वो लोग, खेती बाड़ी करते हैं, उनका जो भी जीविकोपार्जन का जो साधन है वही गाय, बैल, भैंस है, तो उन्हीं की पूजा करते हैं। और विशेषकर उस दिन, मतलब आज के दिन उनकी पूजा की जाती है, उनको नहलाया जाता है, उनको फूल माला पहनाया जाता है और उनको तेल माखा जाता है, तेल मतलब तेल लगाया जाता है उनके पैर, सिर, उनका जो सिंह में सारा उनको, मतलब उनकी सेवा की जाती है। और आज के दिन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया जाता है उनके जीवन के लिए, उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो ये है सोहराई पर्व मतलब का मेन उद्देश्य। झारखंड में जितने भी जनजाति लोग हैं वे इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और विशेषकर संथाली जनजाति लोग बहुत इसको धूमधाम से मनाते हैं। वे लोग 6 दिन तक मनाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो 1 ही दिन मनाते हैं। सोहराई पर्व के दिन एक ख़ास तरह का पकवान भी बनता है हमारे घरों में, बल्कि जितने भी गांव में जितने भी घर हैं सबके घर में ये पकवान बनता है। और चावल और दाल, उड़द दाल का जो मिक्सर रहता है, मिक्स रहता है, उसको पत्ती में लड्डू बनाया जाता है। तो ये लड्डू को बनाने का भी प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम और जहाँ जहाँ आदिवासी निवास करते हैं वहाँ वहाँ इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज के दिन हम गांव में हैं और गांव में जितना भी कार्यक्रम होगा, जो भी जैसे कैसे बैलों को, गायों को नहलाया जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे उनको फूल मलाई पहनाया जाता है, कैसे उनके लिए पूजा की जाती है, हर चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आप सबों को दिखाएंगे। आप सब बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा और नया है चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।